हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप फोन पे से कहीं पैसा भेजते हैं या फिर आप कहीं फोन पे से किसी का वहाँ रिचार्ज करते हैं तो क्या होता है कि जब आप पैसा भेजते हैं तो आपका पैसा ना ही ट्रांसफ़र होता है और ना ही किसी का फ़ोन रिचार्ज होता है। तो ऐसे में गाइज मैं जो है इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जो आपका प्रॉब्लम होगा विद इन वन मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो अभी गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 2 सेकंड में। तो इसके लिए फ्रेंड आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब गाइज जब आप फ़ोनपे से पैसा भेजते हैं तो आपको पैसा नहीं ट्रांसफ़र होता है और ना किसी का फ़ोन रिचार्ज होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो अब जैसे ही आपका यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे गाइज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, उसके बाद फिर आप वहाँ सर्च करेंगे फ़ोन पे। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे फ़ोन पे तो यहाँ पे गाइज आपको चेक कर लेना है कि आपका एप्लीकेशन अपडेट तो नहीं मांग रहा। अगर आपका एप्लीकेशन अपडेट है तो ठीक बात है, नहीं अपडेट है तो आप सबसे पहले आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। तो अब जैसे ही आपका फ़ोन पे अपडेट हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन होगा और उसका इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आएगा। तो अभी गाइज आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आप पैसा भेज रहे हैं, आपको पैसा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए फिर आप यहां से चलिए मैं आपको यहां से मनी ट्रांसफ़र करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां से चलिए मैं ट्रांसफ़र मनी यहाँ से मैं टू मोबाइल वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से जिसको भी पैसा भेजना है आप उसको चूज करेंगे। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मुझे जिनको भी पैसा भेजना है मैं उनको चूज कर लिया हूँ। तो अब आप यहाँ से अमाउंट एंटर करेंगे जितना भी आप सामने वाले के बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ से मैं 500 रुपये एंटर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ अमाउंट एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए फिर जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन होगा इनिशिएटिंग होगा। तो अब देखिए फिर आपके सामने इस तरह से एरर आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है द रिसीवर्स बैंक इज अनेबल टू प्रोसेस पेमेंट मेड यूजिंग UPI राइट नाउ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो अभी गाइज यहाँ पे इस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप जिसको भी पैसा भेज रहे हैं यानी सामने वाले के अकाउंट में जब आप पैसा भेज रहे हैं तो वो जो है इस मनी को लेने में असमर्थ है। और ये जो फ्रेंड प्रॉब्लम है वो UPI में है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपके फ़ोनपे में नहीं है फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम है वो सामने वाले के फ़ोनपे में है। तो आपको क्या करना है कि सामने वाले को बोलना है कि आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करके फ़ोन नंबर डाल के फिर से रजिस्टर कीजिए और आप वहां से अपना बैंक अकाउंट दोबारा ऐड कीजिए। तो आपका जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा और आपके खाते में पैसा चला जाएगा। सो गाइस, इस तरह से आप बहुत ईजिली अगर आपके फ़ोनपे में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए बस यही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।